नमस्कार, स्वागत है आपका। जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगो कोतवाली से मात्र 10 से 20 कदम की दूरी पर अल्फा सेंटर के नाम से, अल्फा मेडिकल सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल खुला है। गंगो के अंदर इससे पहले भी हॉस्पिटल खुल चुके हैं, लेकिन उनमें जो सुविधाएँ नहीं है वो यहाँ सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गई हैं। ये हॉस्पिटल अब से करीब एक हफ्ता पहले खोला गया है, और जिस तरह से इस हॉस्पिटल की अक्षेत्र व आसपास में चर्चा हो रही है वो वाकई में सुनने लायक और देखने लायक है। यहाँ MBBS MD डॉक्टर बैठ रहे हैं, और जो कम से कम खर्च पर यहाँ मरीज़ों को देखा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, और अक्षेत्र से आने वाले मरीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पहुँचे मौलाना अजहर मदनी भी पहुँचे, और उनसे हमने जानकारी चाही तो वो भी आपको सुनाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ बैठे MD जो डॉक्टर हैं MBBS, उनसे भी जानकारी चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, और इस हॉस्पिटल में कितनी मशीनें हैं और किस तरीके की सुविधा दी गई, कम से कम खर्च पर क्या यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं सिग्नेस हॉस्पिटल और उसके तमाम जिम्मेदार और डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस गंगो में, जहां इससे पहले ऐसे डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी और मरीज़ परेशान होते थे, सहारनपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे, करनाल जाते थे, मारे मारे फिरते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेस हॉस्पिटल के लोगों ने, डॉक्टर आबिद साहब, डॉक्टर परवेज साहब और इनके तमाम पूरी टीम ने मेहनत करके, कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया, और हाजी सलीम साहब और हाजी नदीम साहब की मेहनत से यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए तमाम सुविधा इसमें मुतय्यन किया। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत खुशी की बात है, और गंगो के तमाम आवाम, पूरी जनता बहुत खुश है, और कि हमारे रात बिरात दिन में किसी भी हिस्से में अगर कोई बीमारी, कोई ऐसी बड़ी परेशानी पेश आ जाए तो डॉक्टरों की यहाँ पे एक पूरी टीम है जो हर एतबार से मजबूत है और हर तरीके से खिदमत करने के लिए तैयार है। ये खिदमत के जज्बे को लेकर यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। लोकल स्तर पे कैसा हॉस्पिटल का होना, और मीडियम कैटेगरी का मरीज़ कैसे मैनेज कर पाए? बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा। मैनेज करने का मसला यह है कि डॉक्टर साहब के जज्बात को देखना है। यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम आई है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए तो करनाल में बहुत जगह पड़ी हुई है और बहुत बड़ा पैसा वहाँ मौजूद है, ये खिदमत के लिए। तो मीडियम कैटेगरी के लोग हों या लो कैटेगरी के लोग हों, हर आदमी के लिए यहाँ पर सुविधा है। कम से कम खर्च के अंदर अच्छा से अच्छा इलाज कर ले सकते हैं, और कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं पेश आएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मरीजों को सहारनपुर के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएँ, टेस्ट वगैरह हर चीज़ की सुविधा है, यहाँ कराएँ और यहाँ से फ़ायदा हासिल करके जाएँ। मैं डॉक्टर आबिद अमीन भट्ट हूँ, MBBS MD मेडिसिन। अभी हम सिग्नेस हॉस्पिटल करनाल में, रेलवे रोड पे जो हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे मैं एज सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन काम कर रहा हूँ, और सिग्नेस हॉस्पिटल की मदद से और जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं जैसे हाजी सलीम की मदद से, हाजी नदीम की मदद से, मौलाना साहब की मदद से और मौलाना साहब की दुआओं से हमने एक कोलेशन यहाँ पे जो फॉर्म की है सिग्नेस हॉस्पिटल और यहाँ का जो अल्फा मेडिकल सेंटर है,
एक सैटेलाइट ओपीडी टाइप का हमने जो यहाँ पे कोलेशन बनाया है, तो ये हमने स्टार्ट किया है इस महीने से, इस गरज से कि जो लोग यहाँ से काफ़ी लेट स्टेजेस पे हॉस्पिटल पहुँचते थे, जैसे किसी को कोई इमरजेंसी हुई, कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या कोई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो गई, वो पेशेंट बहुत टाइम तक घूमते रहते थे लोकल मार्केट में, और तब आते थे हॉस्पिटल जब उनकी बीमारी बहुत बिगड़ चुकी होती थी। और उस टाइम क्या होता था, उस टाइम दो चीज़ें होती है, एक तो जिस बीमारी को बहुत इजी से कंट्रोल किया जाए अर्ली स्टेजेस पे, वो बीमारी इतनी बढ़ गई होती थी उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगती थी, और जो एक दो टेस्ट करने के बाद सुधर जाती उसमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो बीमारी अर्ली स्टेजेस पे आप 100, 200, 500, 1000 रुपए तक की दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, वो उस स्टेज तक आते आते इतनी बढ़ जाती थी कि वो एक बीमारी पे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस चीज़ पे कई बार हमारी बात हुई, मौलाना साहब से बात हुई से और हाजी साहब से बात हुई, कि हमने कई बार देखा कि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका एक छोटी सी बीमारी जो ठीक हो सकती थी, बढ़ने के बाद एक तो पेशेंट भी ख़राब हो जाता था और इतना बिल बन जाता था कि कई बार वो पे भी नहीं कर पाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए सिग्नस हॉस्पिटल में हमने, डॉक्टर परवेज सोफी ने और हमारी सिग्नस की पूरी टीम ने एक मशवरा किया, एक प्लान बनाया कि ये हमारी तरफ से एक खिदमत रहेगी गंगों के लोगों के लिए, गंगों के जितने भी लोग हैं सब लोगों के लिए खिदमत रहेगी कि ये जो इनको जो एक बहुत बड़ी परेशानी है, इस बड़ी परेशानी से इन लोगों को आसानी मिले, इस बड़ी परेशानी से इनको निजात मिले, इसलिए हमने ये स्टेप लिया और इसलिए हमने ये सैटेलाइट ओपीडीज स्टार्ट करी। कितने लोगों की टीम है हमारे पास? तो ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की टीम है। हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सिग्नस हॉस्पिटल, उसमें आपको मल्टी स्पेशलिटी जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, हमारा इन्फेक्शियस मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, रूमेटोलॉजी जो हम देखते हैं, और गाइनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थोमोलॉजी, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हैं। तो हमने एक प्रॉपर तरतीब से, क्योंकि हर एक कंसल्टेंट का अपना वहाँ पे भी काम देखना है, ऐसा भी नहीं करना है कि करनाल के लोग सफ़र हो जाएं, तो एक प्रॉपर तरतीब से, जिस तरतीब से सब चीज़ें मेंटेन हो, हमने एक अपने हिसाब से वो बनाया है कि हम एक पर्टिकुलर डे असाइन करेंगे। उसमें हमने हाजी नदीम से, हाजी सलीम साहब से बात की है, मां साहब से बात की है, हमारे पास उनके पास कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और आप जैसे लोगों की मदद से, आप भाइयों की मदद से एक हमने ये डिसाइड किया है कि जब भी हम किसी कंसल्टेंट को डिसाइड करेंगे यहाँ भेजने के लिए, तो आप लोगों को हम पहले इतला किया करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कल किस स्पेशलिटी का डॉक्टर आ रहा है, कल किस स्पेशलिटी के पेशेंट, उसी हिसाब से यहाँ आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हफ्ते में कम से कम दो या तीन बार यहाँ आ जाएं, चाहे मैं आऊँ या डॉक्टर परवेज सोफी आएँ, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले उतना मिलता रहे, और हमारा काम जो है सिग्नस हॉस्पिटल में वो भी सफ़र ना करे। जो हॉस्पिटल खोला गया है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरीके की सुविधा आप लोग? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार भाइयों, मैं हाजी सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। ये अल्फा नाम से हॉस्पिटल खोला गया है गंगो के अंदर, और सिग्नस हॉस्पिटल के नाम से करनाल में ये हॉस्पिटल है, उससे टाइप हुआ है। और यहाँ पे जो MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, जो लोग यहाँ गंगो की आवाम, गंगो के क्षेत्र की आवाम, यहाँ से परेशान हो के इलाज के लिए सहारनपुर जाते थे, करनाल जाते थे, चंडीगढ़, दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून, उनके लिए इंशाल्लाह यहाँ पे हॉस्पिटल खुल गया है। अब उनको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी गंगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ आज तक जितने भी राजनीतिक घराने आए, उन्होंने शिक्षा के लिए और किसी के लिए भी, शिक्षा, चिकित्सा के लिए,
मेडिकल के लिए कोई काम नहीं किया। ये हमारे पहले से ही दिल में ये बात थी कि गंगों के आवाम के लिए ऐसी खिदमतें खल की जाए कि शिक्षा, चिकित्सा, मेडिकल, ये हम गंगों के आवाम के लिए ज़रूर करें, जो किसी ने नहीं करा। इंशाल्लाह ये काम हमारी नियत है साफ कि हम इस काम को करें गंगों के लिए। तो यही सोच के गरीब आदमी, मजदूर, किसान, ठेली लगाने वाला, फेरी लगाने वाला, अगर उसके पढ़ने का इलाज फ्री हो जाए या उसका गरीब का इलाज फ्री हो जाए तो उसका जीने का आसान हो जाएगा। क्योंकि आदमी रोजी रोटी का तो कहीं से भी इंतजाम कर लेगा, लेकिन आज के मेडिकल बहुत महंगाई है, पढ़ाई बहुत महंगाई है, गरीब आदमी फीस नहीं दे पाता, कोर्स नहीं खरीद पाता, महंगा इलाज नहीं करा पाता। तो ये हमारे दिल में है वो बात कि हम कौम के लिए खिदमतें खल्क करें। तो ये सब के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए और यहाँ से फ़ायदा उठाए। बस यहीं के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।